तो दोनों चिट्ठी सही है ना। जो प्रशिक्षण चल रहा था उसको अगर मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसे खारिज किया गया है, कैंसिल किया गया है, तो यह तो अपने आप में बताता है ना, जो कोई चिट्ठी नहीं होगी जिससे उस दिन भी प्रशिक्षण चलना था, इसमें आपको अस्वाभाविक क्या दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अब्जय सिंह। शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टी को लेकर लेटर निकाला गया है, जिस तरह से ईद है और रामनवमी है जिसको लेकर लेटर निकाला गया है, और वहीं बात करें तो कई लेटर निकाले गए हैं जिसको पुष्टि कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी कर रहे हैं कि दोनों लेटर सही है। और साफ तौर पर जिस तरह से के पाटा के द्वारा पहले छुट्टी रद्द करने के लेटर निकाला जाता है, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संज्ञान लेते हैं और उसके बाद रामनवमी और ईद को छुट्टी दिया जाता है, उसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं विजय कुमार चौधरी, पहले सुनने की बात। क्या तैयारी है आप लोगों की? हम तो बताए थे कि ये चुनाव अभियान समिति की बैठक है जिसमें हमारे सभी प्रवक्तागण भी हैं। इसमें जो अभियान अभी जिस रूप में चल रहा है उसकी भी समीक्षा हुई है और इसमें हमारे सभी सदस्य सुझाव दे रहे हैं कि इसको और तेज़ी से हम लोग कैसे चलाएंगे। और अभी तक जो हमारी व्यवस्था है वो काफ़ी संतोषजनक ढंग से चल रही है और हमारे पार्टी के नीतियों और हमारे नेता मुख्यमंत्री की उपलब्धियों को लोगों तक तो अब पहुंचाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको स्मारित करने की ज़रूरत है, जो हम लोगों का लक्ष्य है। और हम समझते हैं कि पूरे बिहार के किसी दूरस्थ पंचायत में भी जाकर कोई व्यक्ति अगर 360 डिग्री कहीं पर खड़ा होकर घूम जाएगा तो उसको मुख्यमंत्री की कई उपलब्धियां एक साथ नज़र आ जाएंगी। ये हमारे मुख्यमंत्री की उपलब्धियों का विस्तार है, यही हम लोग बात कर रहे हैं। और फिर हमारे घटक दल भी हैं, अलग अलग घटक दलों से कैसे समन्वय बना के प्रचार कार्य को पूरी मजबूती से किया जाए, इस पर विचार चल रहा है। अभी तो विचार मतलब मध्य में है, अभी और भी विचार कई लोग उसमें अपने विचार रखने वाले हैं, हमको तो किसी काम में अभी जा रहे हैं। फिर ईद और रामनवमी को लेकर सर ईद और रामनवमी को लेकर के एक चिट्ठी घूम रही है क्या, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उस समय शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और शिक्षकों के लिए छुट्टी रही है। एक दूसरी चिट्ठी आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर कैंसिल कर दिया गया है ईद और रामनवमी के दिन छुट्टी दी गई, मतलब छुट्टी दी गई है। तो आप तो दोनों चिट्ठी सही है ना। जो प्रशिक्षण चल रहा था उसको अगर मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसे खारिज किया गया है, कैंसिल किया गया है, तो यह तो अपने आप में बताता है ना, जो कोई चिट्ठी नहीं होगी जिससे उस दिन भी प्रशिक्षण चलना था, इसमें आपको अस्वाभाविक क्या दिखता है। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी स्पष्ट रूप से बताते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों लेटर सही है और जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला लिए वही सर्वमान्य है। और जिस तरह से कहा जाए कि लगातार जो के पाठक हैं वो छुट्टियों को लेकर लेटर निकाले, उसको लेकर भी क्या कुछ कहा विजय कुमार चौधरी, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ 4 के साथ, नमस्कार।